दोस्तों आज की वीडियो पॉकेटली लोन एप्लीकेशंस के ऊपर है और फुल्ली रिव्यू है। आपका लोन क्यों रिजेक्ट हो जाता है, मिलता नहीं है, आज मैंने एक्सप्लेन किया। तो वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना, और चैनल अच्छा लगा ना वीडियो देखने के बाद तभी सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बना सकूं। दोस्तों मैंने लोन लिया और 500 रुपए का लोन था, 464 रुपए दिखा दिया आपको, फोन पे में आ गया। यूपीआई की बात करेंगे पॉकेटली इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में, और यहाँ पर लोन अप्लाई करके भी आपको सिखाएंगे लेना कैसे है, मैक्सिमम लोन कितना मिलता है, कितने दिन के लिए ले सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इस लोन को लेने के लिए आपका उम्र क्या होना चाहिए, और दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने से आपको लोन मिल जाएगा। पॉकेटली कंपनी से 500 रुपये का लोन मुझे मिला है, आप कितना ले सकते हो, पूरी रिव्यू कर रहा हूँ दोस्तों पॉकेटली के ऊपर। तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ रेफर आन का भी प्रोग्राम है, जैसे कि रेफर करने से आपको 25 रुपये करके मिलेगा, जैसे ही आपके रेफरेंस केवाईसी और लोन अप्लाई करते हैं। पर्सनल लोन ऐप ये प्ले स्टोर पर ऐसे इंटरफेस है, आपको मैं दिखाता हूँ एप्लीकेशंस का पूरा डिटेल्स क्या है। दोस्तों पॉकेटली मनी इन पॉकेट इन सेकंड। दोस्तों आपको अगर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन की ज़रूरत है, पॉकेटली एप्लीकेशंस आपको देगा लोन। और दोस्तों ये एप्लीकेशंस आपको मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करता है, 10,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है कंपनी, और आपको केवाईसी पर लोन देता है। सिंपली आप आधार कार्ड पैन कार्ड से यहां से ले सकते हैं लोन, और दोस्तों ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लेता है। 10 लाख से ऊपर डाउनलोड्स है, 2019 का कंपनी है, और दोस्तों कंपनी सिर्फ केवाईसी के बेस पे आपको लोन दे देता है। मैटर करता है नहीं कि आपका यहां पर सिविल स्कोर कितना है। तो दोस्तों आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर आपका है तो आप पॉकेटली से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। आइए देखते हैं इसमें लोन अप्लाई कैसे। 3.9 की रेटिंग्स है और यहां पर 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स है। फ्लेक्सिबल लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड करता है 10,000 तक का, और बहुत ही इजीली आप ले सकते हो। दोस्तों अफोर्डेबल ईएमआईज हैं और फ्लेक्सिबल रिपेमेंट का ऑप्शन है, सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि मैंने बताया कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। करने के लिए सबसे पहले आपको पॉकेटली एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेना है, और फिर आपको मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, सारी डिटेल्स देना है, पैन कार्ड का नंबर देना है, और दोस्तों पैन कार्ड का नंबर देने के बाद आधार वेरीफाई करना है, ओटीपी से वेरीफाई करना है। और जैसे ही आप कर लेते हो दोस्तों, यहां पर आपको रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना होता है, जैसे कि दो नाम और मोबाइल नंबर के साथ। तो यहां पर अपडेट कर देता हूं मैं, और देने के बाद दोस्तों मैं दिखाता हूं लोन लेना कैसे है। 500 रुपए का लोन मेरा अप्रूवल पड़ा हुआ है, और इस लोन को मैं लेके आपको दिखाने वाला हूं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको कॉन्क्रीटली एप्लीकेशन में मैंने लोन अप्लाई किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल टू अवेल एन इंस्टेंट लोन ऑन पॉकेटली। तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो 500 रुपये का लोन अप्रूव हो चुका है। इस लोन को यहाँ पर देख सकते हो कि 500 रुपये ही हुआ है, उसके बाद 1,000 होगा, उसके बाद 2,000 होगा। जैसे कि लोन को रिपेमेंट करेंगे, वैसे वैसे ये लिमिट खुलता चला जाएगा। तो दोस्तों ये लोन मुझे लेना है, UPI के थ्रू आप ले सकते हो, सिंपली आपके फोन पे पेटीएम के थ्रू ले सकते हो। तो एक मंथ के इसमें आपको 515 रुपये टोटल यहाँ पर रिपेमेंट करना पड़ेगा। देख सकते हो कि 10 नवंबर को 515 रुपये ले रहे हो, 515 रुपये ये करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना UPI या बैंक अकाउंट ये कर लेना है चेंज अकाउंट करके। ये मैं गेट मनी पर क्लिक कर रहा हूँ, और कन्फर्म वन मंथ प्लान। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक मंथ के लिए 515 रुपये मुझे टोटल ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखो, टेल अस हाउ यू इंटेंड टू यूज द मनी, किस चीज़ के लिए पैसे को ले रहे हो, यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं चूज कर लूंगा कुछ भी, यहाँ पर आधार चूज कर लूंगा, और आधार में लिख देना है कि पर्सनल, ठीक है। तो आपको, आप भी ऐसे लिख करके लिखिए, या जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, पर्सनल मैंने लिख दिया, और फिर मुझे यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा लोन एग्रीमेंट को यहाँ पर आ गया, तो लोन एग्रीमेंट को कन्फर्म कर देना है। लोन सैंक्शन लेटर यहाँ पर आ गया, तो दोस्तों यहाँ पर लोन सैंक्शन लेटर को कन्फर्म कर देना है, और फिर आपको ये दो टिक कर देना है टर्म एंड कंडीशंस को। 500 रुपये का लोन ले रहे हैं देख सकते हो, और यहाँ पर आपको एक ये दे देना है, आपका OTP आएगा, OTP एक बार वेरीफाई कर लेना है, और OTP वेरीफाई करने स्वाइप यहाँ पर ऐसे स्वाइप कर देना है, स्वाइप आप को कन्फर्म। तो दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुली प्लीज गो टू माय लोन सेक्शन टू सी द स्टेटस ऑफ योर लोन। दोस्तों मैंने UPI चूज किया, आप
चाहो तो UPI के थ्रू भी इस लोन को ले सकते हो, और दोस्तों इस लोन को आप बैंक अकाउंट पर भी ले सकते हो। तो दोस्तों एक बार रिप्लेस करके देखता हूँ ये लोन अभी तक आया कि नहीं, तो दोस्तों हो सकता है थोड़ा वक्त लगे। यहाँ पर देखिए योर पॉकेटली लोन रिक्वेस्ट यहाँ पर हो गया है, तो दोस्तों यहाँ पर अभी थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूँगा, मैं रिफ्रेश करता चला जाऊँगा जब तक ना होगा। तो दोस्तों आप भी ऐसे रिफ्रेश करिए लोन अप्लाई करने के बाद, और रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यूज्ड लिमिट में दिख रहा है 500 रुपीज़, तो ऑलरेडी शायद कंपनी ने दे दिया। आइए देखते हैं यहाँ पर UPI में पैसा आया कि नहीं, जो भी UPI मैंने दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर फोन पे में मेरा 464 रुपये आ गया है अभी, और 500 रुपये का लोन था। दोस्तों सारे चार्जेस फीजेस काट के 464 रुपये बैंक खाते में आ गया। मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने पॉकेटली में लोन अप्लाई किया और 464 रुपये मैंने 500 रुपये का लोन अप्लाई किया तो आर रिसीव हो गया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि 464 रुपये मेरा आ गया। यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि देखिए पॉकेटली ने भेजा है 464 रुपये मुझे लोन, और जो कि मुझे रिसीव हो गया है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप भी ऐसे अप्लाई करो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस मैंने बताया, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 चैनल के साथ जुड़ के रहना। मैं आपको रोज़ाना ऐसे एप्लीकेशंस का रिव्यू दूंगा जिससे आपको हेल्प मिले फाइनेंशियली, और फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, चलते हैं दोस्तों।